हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। टुडे वी लर्न हाउ टू राइट रिप्लाई टू फॉर्मल इन्विटेशंस, यानी कि फॉर्मल इन्विटेशंस का आप रिप्लाई अगर आपको सेंड करना है तो आप कैसे करेंगे। मैंने फॉर्मल इन्विटेशन का फॉर्मेट और उसका सैम्पल अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आज मैं उसका रिप्लाई आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। रिप्लाई टू फॉर्मल इन्विटेशंस, यानी फॉर्मल इन्विटेशंस का रिप्लाई। कोई आपको फॉर्मली इन्वाइट करता है अपने सोशल फंक्शंस, इवेंट्स या कोई भी ओकेज़न है उसके लिए, तो अगर आपको उसका रिप्लाई भेजना है, रिप्लाई सेंड करना है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ये मैं आपको आज समझाऊंगी और बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगी। इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहें और ध्यान से देखें, समझें और सुने, ठीक है। अब ये आपका 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। और अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया, समझ लिया और एक बार आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपके 4 मार्क्स तो पक्के हैं। अब आप देखिए, रिप्लाई टू फॉर्मल इन्विटेशन, इसके आपके 2 काइंड्स होते हैं। एक होता है एक्सेप्टेंस, एक होता है रिफ्यूज़ल। यानी कि अगर आपने उनके इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, तो आप शो करेंगे उसमें एक्सेप्टेंस, ठीक है। और अगर आप उनके दिए हुए इन्विटेशन में जाने में अनेबल हैं या कोई भी रीज़न है, तो आप शो करेंगे रिफ्यूज़ल यानी कि डिनायल, कि आप उनके फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। फॉर्मेट में आपका बहुत सिंपल है, केवल 2 चीज़ें हैं। एक तो बॉक्स में आपको लिखना है, दूसरा आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, 2 चीज़ें। अब कंटेंट में देखिए क्या होता है। कंटेंट में भी आपका ये है, जो आपने बॉक्स बनाया है उसमें आप स्टार्टिंग में आप रिप्लाई भेज रहे हैं, तो आपका यानी कि सेंडर का नेम आएगा, सेंडर्स नेम। उसके बाद ग्रेटिट्यूड फॉर इनविटेशन या फॉर्मल थैंक्स, तो आप जिसको रिप्लाई भेज रहे हैं, उन्होंने आपको इनवाइट किया है, तो उनके लिए आप आभार व्यक्त करेंगे, यानी कि उनको फॉर्मल थैंक्स देंगे कि आपने मुझे इनवाइट किया। उसके बाद रिसीवर्स नेम, जिसको आप भेज रहे हैं उनका नेम आएगा इसमें। देन डिटेल ऑफ द इवेंट इन ब्रीफ, और जो फंक्शन, जो ओकेजन है उसका डिटेल ब्रीफ में, शॉर्ट में, बहुत लिमिटेड वर्ड्स में। अगर आप उनके फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, इनविटेशन को आप स्वीकार कर रहे हैं, तो आप शो करेंगे प्लीज टू अटेंड, यानी कि अटेंड करने में आप बहुत खुश हैं। और यदि आप उनके फंक्शन को अटेंड नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश, तो आपको शो करना पड़ेगा अनेबल टू अटेंड, यानी कि आप उनके फंक्शन को अटेंड करने में अनेबल हैं। तो अगर आप ये शो करेंगे तो, यानी कि रिफ्यूज़ल शो करेंगे, तो आपको 2 बातें और ऐड करनी पड़ेंगी, यानी कि रीज़न और रिग्रेट, यानी कि आप नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है, और रिग्रेट यानी कि अफसोस, यानी कि आपको उनके फंक्शन में जाने ना जाने का बहुत अफसोस है, ठीक है। इतना आपका हो गया। उसके बाद विशेज़, लास्ट में आप उनको विशेज़ दे रहे हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो ये आपको लास्ट में मेंशन करना पड़ेगा। और बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा आपको ये रिप्लाई सेंड करना पड़ता है। अब मैं इसका आपको एक सैम्पल देती हूँ, जिसको देखकर आपको ये फॉर्मेट और समझ में आ जाएगा। आपका क्वेश्चन है, यू आर मिस्टर पांडे, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन टू अटेंड द फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ द बिलवड डॉटर ऑफ मिस्टर तिवारी, ठीक है। राइट अ फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई एक्सेप्टिंग द ऑफर। तो आपको इनविटेशन दिया गया है, आप कौन हैं, मिस्टर पांडे, आपको मिस्टर तिवारी ने इनविटेशन दिया है अपने बिलवड डॉटर के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन का, तो आपको लिखना है एक फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई एक्सेप्टिंग द ऑफ़र, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए, ठीक है। अब इसका आपको रिप्लाई कैसे बनाना है, देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाकर हमारा कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या है, देखिए, मिस्टर पांडे, हम कौन हैं, हमको इनवाइट किया गया है तो हम उनको रिप्लाई भेज रहे हैं, तो हम सेंडर हुए, तो स्टार्टिंग में क्या आया, हमारा नाम मिस्टर पांडे, थैंक्स मिस्टर तिवारी, मिस्टर तिवारी को थैंक्स करते हैं फॉर हिज काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ हिज बिलवड डॉटर और 29th November 2020 एट 7 PM। इसमें आपका जो आप रिप्लाई भेज रहे हैं, आप सेंडर का नाम आ गया, थैंक्स आ गया, फॉर्मल थैंक्स आ गया, और जो होस्ट हैं फंक्शन के उनका नाम आ गया,
उसके बाद जो हमारा ओकेज़न है वो भी क्लियर हो गया, वो क्या है, द फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ हिज बिलव्ड डॉटर ऑन 29 नवंबर 2020। इतना आपको क्लियर हो गया, टाइम हो गया और डे हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे ही इज़ डिलाइटेड टू एक्सेप्ट हिज ऑफ़र, यानी कि मैं ही हमने अपने लिए यूज़ किया है, तो हम इस जगह यहाँ थर्ड पर्सन की जगह हम आई भी यूज़ कर सकते हैं कि आई एम डिलाइटेड टू एक्सेप्ट योर ऑफ़र, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ही इज़ डिलाइटेड टू एक्सेप्ट हिज ऑफ़र, मतलब आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट करने में बहुत खुशी हो रही है। इट इज़ हिज़ ग्रेट प्लेजर टू अटेंड द फंक्शन, ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस फंक्शन को अटेंड करने में बहुत ही खुशी की बात है। ही सेंड्स हिज कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेज, लास्ट में आपको क्या करना है, उनको विश करना है, विशेज देनी है, तो ही सेंड्स हिज कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेज, ये आपका कंटेंट पूरा हो गया, आपका रिप्लाई कंप्लीट हो गया। इतना छोटा सा है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत लॉन्ग आपको नहीं करना है, बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में और टू द पॉइंट लिखना है, वही मैंने आपको शो किया है। इस रिप्लाई में हमने एक्सेप्टेंस शो किया है, और यदि हमको रिफ्यूज़ल शो करना है या हमें इनकार करना है, जाने से मना करना है, तो उसके लिए हमको केवल ये स्टार्टिंग तो हमारी वही रहेगी, वही हमें सेम लाइंस लिखनी है, वही पेस्ट कर देनी है, बस केवल हमको लास्ट की जहाँ से हमारा एक्सेप्टेंस शुरू हुआ है वहाँ से हमको रब करके केवल हमको उस जगह पर रिफ्यूज़ल की लाइंस ऐड कर देनी है, जिसमें हमको रीज़न और रिग्रेट ऐड करना है, यानी कि कारण, ना जाने का कारण और अफसोस शो करना है। लास्ट में हमको विश देनी ही है, बस केवल स्टार्ट, ये हमें यहाँ की टू लाइंस रब करके इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, रिफ्यूज़ल की लाइंस। अब हमको यहाँ पर स्टार्टिंग की लाइन वही हो गई, मिस्टर पांडे थैंक्स मिस्टर तिवारी फॉर हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड द फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ हिज बिलवड डॉटर ऑन 29 नवंबर 2020 at 7 PM। इतना आपका हो गया। अब आप क्या शो करेंगे, रिग्रेट, यानी कि रिफ्यूज़ल का रिग्रेट, यानी कि आप नहीं जा रहे हैं, उसका आपको आप पहले रीज़न देन रिग्रेट। अब देखिए, बट आई रिग्रेट, यानी मुझे अफसोस है, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, मुझे बहुत अफसोस है आपको इन्फॉर्म करते हुए, दैट ड्यू टू प्रीवियस इंगेजमेंट्स, इसका मीन्स क्या हुआ, कोई पहले के कोई काम हैं, कोई इंगेजमेंट्स हैं उसकी वजह से, या फिर आप लिख सकते हैं अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, है ना, ऐसी कंडीशंस जिसको कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसकी वजह से, या फिर प्रीवियस इंगेजमेंट्स, दैट ड्यू टू प्रीवियस इंगेजमेंट आई विल बी अनेबल, आई विल बी अनेबल टू अटेंड द फंक्शन। अब ये आपका हो गया रिफ्यूज़ल का रिग्रेट। अब आपको देना है विश, तो आई सेंड माई कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेज, आपको विश भी उनको करना है, विशेज भेजनी है, उसका आपको एक सेंटेंस में मेंशन करना पड़ेगा, बेस्ट विशेज, ये आपकी हो गई विशेज। अब लास्ट में आप इसमें एक लाइन और रिफ्यूज़ल में ऐड कर सकते हैं कि प्लीज़ एक्सक्यूज आर एब्सेंस, ठीक है, हमारी एब्सेंस को आप एक्सक्यूज़ करें यानी क्षमा करें, तो आप ये भी शो कर सकते हैं। ये आपका रिफ्यूज़ल का सैम्पल हो गया। आज आपने क्या सीखा, आज आपने फॉर्मल इनविटेशंस के रिप्लाइज का फॉर्मेट सीखा, जिसमें कि टू टाइप्स थे, एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल, और आई होप आपको दोनों को लिखना बहुत अच्छे से आ गया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।